हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन आलू। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसे बने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलो बनाते हैं। तो मैंने एक पतीले में मैंने 100 ग्राम ऑयल गरम करने रख दिया है। तो मैं देख लेती हूँ बैंगन आलू में मैंने क्या क्या चीज़ें काट के रेडी करें, तो आप भी एक बार देख लो अच्छे से, और एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। तो मैंने क्या क्या लिया है, मैंने एक छोटा चम्मच जीरा ले लिया है, अखा जीरा है, और मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ले लिया है एक बड़ा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, लहसुन ले लिया इसको मैंने बारीक काट लिया है, कोदमी ले लिया इसको मैंने बारीक काट लिया यानी कि धनिया, और 3 टमाटर इसको मैंने बारीक काट लिए हैं। तो मैंने आधा किलो बैंगन और आलू दोनों आधा आधा किलो इसको मैंने छील के अच्छे से धो के काट लिया है, ठीक है। अब मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर अपना सारा सामान ऐड करूँगी। तो मैं इसके अंदर पहले ऐड करने वाली हूँ लहसुन, तो मैं अब इसके अंदर अपना लहसुन ऐड करूँगी। तो ऐसे आपको अपना लहसुन ऐड कर देना। तो याद रखना, बैंगन आलू में आप ज़्यादा लहसुन डालेंगे ना तो बैंगन आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो जितना डालते हैं ना तो उससे ज़्यादा डालना। तो मैंने अपना ज़ीरा भी ऐड कर दिया है साथ में, तो आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपका बैंगन आलू बहुत टेस्टी बनेगा, तो लहसुन को ज़्यादा ऐड करें। तो मैं इसे अच्छा से हल्का ब्राउन कर लूँगी, तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है। तो आपको इस तरह से ब्राउन कर लेना है, जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैं इसके अंदर अपने धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी, और फिर मैं अपने इसके अंदर हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो रखना है, अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो मसाले सारे जल जाएंगे, इसके लिए लो फ्लेम पे डालना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रेसिपी जो आप रेसिपी देख रहे हैं उसको घर में ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर दिया ताकि वो मसाले जल ना जाएँ, अच्छे से भुन जाएँ, ठीक है। आपको भी थोड़ा पानी ऐड कर देना है, तो आप वीडियो को देखें पूरा, और अच्छी लगे तो घर में ट्राई करें ज़रूर, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आपने बनाया घर में। तो मेरे मसाले अच्छे से भुन रहे हैं, देखिए तेल भी ऊपर आ रहा है, तो देखिए अच्छे से भुन गए हैं, पूरा ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर अपने जो बैंगन और आलू जो मैंने आधा दो किलो लिया था उसको मैंने अच्छे से छील के धो के काट के रखा था, तो अब मैं वो उसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आपको ऐड कर देना है, दोनों चीज़ें साथ में ऐड करना है। क्या आपने कभी इस तरह से बैंगन आलू ट्राई किए हैं घर में? अगर हाँ तो बताएं मुझे, और अगर आप कोई और तरीके से बनाते हैं तो मुझे बताएं एक बार कि आपको इस तरीके से बनाना आता है और आपको बहुत अच्छे लगते हैं ये तरीके के, हो सकता है मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ वो कैसे लगते हैं। तो इस तरह से आपको सब डाल देना है, ऐड कर देना है सारे पतीले में, और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप देखो इस तरह से। तो इसके अंदर मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद तो अपने टमाटर ऐड कर दूँगी, तो टमाटर थोड़े ज़्यादा ऐड करना ताकि तो इसके अंदर थोड़ा खट्टापन आ जाए, तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे। तो इसलिए मैंने 3 टमाटर लिए थे बड़े बड़े, तो अब मैं इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर रही हूँ, देखो कितने ज़्यादा लग रहा है, ताकि इसके अंदर इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए बैंगन आलू का। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स 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 मिक्स। ऐसे आपको भी मिक्स करना है, कितना अच्छा कलर लग रहा है।
मैं इसके अंदर अपना नमक ऐड कर रही हूँ। बिना नमक के तो कोई टेस्ट ही नहीं है, आपको तो पता ही है कोई टेस्ट नहीं आने वाला। तो अब मैंने अपना नमक ऐड कर दिया है। मेरा मस्ती करने का मूड है बट तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, इसलिए मैं मस्ती नहीं कर पा रही हूँ। खैर आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ मैं, वैसे भी गड़बड़ करती हूँ हमेशा बोलने में। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके और फिर मैं इसे अच्छे से ढक कर पकाऊंगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड कर चुकी हूँ और मैं इसे ढक के 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं क्या होता है। सो 10 मिनट हो गए हैं, देखिए। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि बैगन भी अपना पानी छोड़ता है और टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसके लिए आप ज़्यादा पानी मत ऐड करना। अगर आपने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया ना तो फिर सुखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, गैस भी वेस्ट होगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा ही पानी ऐड करना। तो देखो मेरा बैगन आलू इस तरह से हो गया है, पानी भी मैंने अच्छे से सुखा दिया था और जो बैगन थे वो उसके जो पीस उसको भी मैंने अच्छे से फोड़ दिया था, मतलब मेरा बैगन बन के रेडी हो गया था। मैंने इसको 5 मिनट और पकाया। अब मैं इसके अंदर कोथमीर ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसके अंदर अपना कोथमीर ऐड कर दिया है, मतलब धनिया ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको उसका कलर कितना मस्त दिख रहा होगा ना, और रियलिटी में ज़्यादा अच्छा दिख रहा था बल्कि, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। खैर मैं नहीं खा पाई थी क्योंकि मुझे बुखार था और इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। बुखार में कैसा मुँह का टेस्ट ही पूरा ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जब मैंने इसको खाया था ना, दिखने में इतना मस्त दिख रहा था तो मैंने कुछ और नहीं खाया, यही खाया, बट मुझे इसका कोई टेस्ट ही नहीं आया। बट घर में सबको ये बहुत अच्छा लगा था। तो ये बन के रेडी हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें ये, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये अच्छा लगा। और दुआ में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें मेरे लिए। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।